तो भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है हॉलीवुड की जबरदस्त मूवीज की लिस्ट। और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं हॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज, जिसे आप यूट्यूब पर बड़े ही आराम से देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और यकीन मानिए आज की हमारी लिस्ट की हर एक मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी एक मूवी लवर हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगी हॉलीवुड की न्यूली रिलीज फिल्म हिंदी में, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आज की हमारी लिस्ट की हर एक मूवी भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर नीचे वाले लिंक काम न करे तो उस लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम पे पेस्ट कर दीजिएगा, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। सो फॉर द सेक ऑफ सिनेमा चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हमारे पास इस साल 2006 में आई मिशन इम्पॉसिबल 3, जो कि एक एक्शन एडवेंचर जॉनर की मूवी है। आईएमएफ एजेंट इथन हंट को रिटायरमेंट से वापस बुलाया जाता है उसके एक स्टूडेंट को रेस्क्यू करने और ओवन डरियन नाम के एक रूथलेस आर्म डीलर को पकड़वाने के लिए, जिसने इथन की वाइफ जूलिया को किडनैप कर लिया था। 6.9 की आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फिल्म में कुछ सेक्सुअल सीन जरूर है, लेकिन उनको फैमिली के साथ देखा जा सकता है। नंबर 9 पर आती है 2019 में रिलीज हुई फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि एक्शन स्काईफाई जॉनर की मूवी है। पीटर पार्कर 4 डिस्ट्रक्टिव एलिमेंटल मॉन्स्टर का सामना करता है उसके यूरोप के हॉलीडे के दौरान। जल्द ही मिस्टेरियो नाम का एक सुपर हीरो उसकी मदद करता है, जिसकी कुछ मिस्टीरियस ओरिजिन्स थी। 7.4 की जबरदस्त आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी, और आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। नंबर 8 पर आती है 2011 की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स, जो एक एक्शन एडवेंचर जॉनर की मूवी है। कैप्टन जैक स्पैरो लेजेंडरी फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन इस दौरान उसका सामना एक मिस्टीरियस औरत, उसका पुराना दुश्मन बारबोजा और खतरनाक पायरेट ब्लैक बियर्ड से होता है। 6.6 की आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फिल्म में कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं है, तो फैमिली के साथ आराम से देख सकते हो। नंबर 7 पर आती है 2012 में रिलीज हुई फिल्म द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी, जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर जॉनर की मूवी है। बिल्बो बैगिंस नाम के एक हॉबिट को एक विजर्ड और ड्वार्फ्स के ग्रुप के साथ जाना पड़ता है उनके सिटी ऑफ एरेबोर के सारे खजाने को स्मॉग नाम के एक ड्रैगन से चुराने के लिए। 7.8 की आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी, और आप इसमें अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। नंबर 6 पर आती है 2011 में आई हैना, जो कि एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की मूवी है। हैना हेलर नाम की एक 16 साल की लड़की को एक परफेक्ट असासिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और एक दिन उसे एक मिशन में भेजा जाता है जो उसे पूरे यूरोप से वाकिफ कराता है, और उसका सामना एक इंटेलिजेंट एजेंट और उसकी टीम के साथ होता है। 6.8 की आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फिल्म में कुछ सेक्सुअल सीन्स हैं जिसे फैमिली के साथ देखा जा सकता है अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है। नंबर 5 पर आती है साल 2007 में आई रैटाटूली, जो कि कॉमेडी फैमिली जॉनर की मूवी है। रेमी नाम के एक चूहे को एक फ्रेंच शेफ बनना था, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि लोगों को चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो उसका बनाया हुआ खाना कभी नहीं खाएंगे। 8.1 की धमाकेदार आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी, और आप इसमें अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। नंबर 4 पर आती है 2014 की आइसमैन कॉमेट, जो कि एक एक्शन कॉमेडी जॉनर की मूवी है। हीजिंग सावो और निशा एक फाइट के दौरान फ्रीज करके गाड़ दिए जाते हैं, और वो तीनों 400 साल बाद उठते हैं एक मॉडर्न वर्ल्ड में और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। 4.7 की आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिल्म में कुछ गंदे गंदे सीन्स है, तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। नंबर 3 पर आती है साल 2007 में आई जोडियक, जो कि एक मिस्ट्री क्राइम जॉनर की मूवी है। रॉबर्ट ग्रेसित नाम का एक कार्टूनिस्ट जोडियक किलर से ऑब्सेस हो गया था, और वो अपनी पजल सॉल्विंग एबिलिटीज का यूज करके उस किलर की आइडेंटिटी को रिवील करने की कोशिश करता है। 7.7 की आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फिल्म में कुछ सेक्सुअल सीन्स है, लेकिन उनको फैमिली के साथ देखा जा सकता है। नंबर 2 पर आती है साल 2004 में आई फिल्म रेजिडेंट एविल एपोकलिप्स, जो कि एक हॉरर एक्शन जॉनर की मूवी है। एलिस देखती है कि रेकून सिटी ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स से इन्फेस्टेड हो गया है। उसके बाद वो अपनी पूरी जान लगा देती है वहां से भागने के लिए, इसके पहले कि देर हो जाए। 6.1 की आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी, बस फैमिली के साथ मत देखना। नंबर 1 पर हमारे पास है साल 2008 की ट्वाइलाइट, जो कि एक रोमांस फैंटेसी जॉनर की मूवी है। जब बेला नाम की एक लड़की फॉक्स वॉशिंगटन में अपने फादर के साथ रहने आती है, तो वो वहाँ पर एक मिस्टीरियस मैन से मिलती है, और वो धीरे धीरे उसके करीब भी होने लगती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है। 5.3 की आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म को हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फिल्म में कुछ सेक्सुअल सीन्स है, जिनको फैमिली के साथ देखा जा सकता है अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको हॉलीवुड की नई फिल्में देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।